झारखंड की राजधानी रांची की नगड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रेप की घटना के बाद नाबालिग ने आत्महत्या की भी कोशिश की है, जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इससे पहले रेप की शिकार पीड़िता नाबालिग ने एक नोट भी लिखा है, जिसमें उसने पड़ोस के ही एक व्यक्ति पर रेप करने का आरोप लगाया है। हालांकि वह व्यक्ति फरार चल रहा है और इस पर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यौन शोषण का मामला सामने आया और उसी क्रम में वो प्रेग्नेंट जब हो गई, 4-5 महीने का समय हो गया, तो समाज में ये चर्चा होने लगा। हमको लगता है कि इसी चर्चा के कारण वो कहीं ना कहीं जहर खा लिया और अभी उनका इलाज दो कमल अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें चल रहा है और फतेह से बाहर बताया जा रहा है। जिस पर आरोप आया है धनंजय केसवी, मैंने लोकल थाना में केस दर्ज करवा दिया है। ये केस रेप के साथ साथ पोक्सो एक्ट के अंतर्गत किया गया है। अपराधकर्मी जो अभियुक्त थे उनको अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। टीम हमारी लगी हुई, अभी घर से वो फरार चल रहे हैं। समाज के लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं और जहाँ भी होगा वो इमीडिएट हमारी टीम लगी हुई है, उनको डिटेन करेगा, माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित करेंगे। सर, ये कितने दिनों से इस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है? ये तो अभी रिकॉर्ड में आ गया, 4-5 महीना का तो प्रेगनेंसी है। अभी ये कितने, जब तक अभी बोलने में बहुत कुछ सहयोग नहीं कर पा रही हैं वो लेडीज। सब इंस्पेक्टर को भी मैंने भेजा है वहाँ पर, थोड़ा सा वो और ठीक हो जाती हैं तो बात और सामने आ जाएगी, जांच का भी विषय रहेगा। लेकिन एक ये भी आरोप है कि पुलिस नगरी थाना इस पूरे मामले में काफ़ी लापरवाही बरती, जबकि जब बच्ची वहाँ एडमिट थी और जहर खाने की बात आई, सुसाइड लेटर भी मिला, इसके बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया था। कल से ये मामला चल रहा है। जब वहाँ तो बोलने की स्थिति में थी नहीं, चूँकि नाबालिग थी तो इसलिए टीम को भेजा गया था, लेकिन बोल नहीं पा रही, तो डिटेन तो उनका था ही, केस तो कल के डेट में ही हुआ है। तो लोग ये चाह रहे थे कि कुछ बात सामने आ जाए, वो खुद वो ठीक हो जाए, तब तो हम लोग और डिटेल्स उनका लेने, मामला यही था। तो हम लोग देख रहे हैं, मेरे संज्ञान में आ गए, FIR तो कल के डेट में ही हो गया है और अभी की गिरफ्तारी इमीडिएट चूँकि नेम्ड है इसलिए कोई दिक्कत है भी नहीं और वो घर से फरार है, जल्दी ही मिल जाएगा हमको, ऐसा उम्मीद करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।